सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस कितना पच्चीस आठ सौ पच्चीस आठ सौ पच्चीस आठ सौ लग गया आगे एक दो तीन रजी चलो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस चालीस रुपये आठ सौ चालीस आठ सौ चालीस आठ सौ चालीस आठ सौ चालीस पच्चीस रुपये लिखाओ जल्दी भाई काज भी चेक आज नहीं लिख दो काम का लिख दो चुप चुप भाई काज बाप अगर तुम का है वो जाओ पच्चीस तुम्हारे छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस उनतालीस चालीस नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओम शीतग्रह प्राइवेट लिमिटेड पर और यहां पर आलू की बोली लग रही है और बोली का रुझान क्या चल रहा है और इसमें देखेंगे। और आज मंडियों में काफ़ी उछाल देखने को मिला है, ये आप लोगों के लिए एक खुशी की बात है। दूसरा कारण है आलू के वैश्विक निर्यात की जो वीडियो मैंने डाली थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी और आने वाले दिनों में मैं आपको जो पोर्ट से निर्यात जो आलू की लोडिंग होगी शिप के द्वारा वो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा ताकि आपको जो शक वाली बात आ रही है कि अरे तुम फर्जी डाल देते हो अरे वो डाल देते हो उस सब को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। निवेदन आपसे यही करूँगा, जो हमारे साथी नए हैं और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने साथी हैं वो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अब बोली देख लेते हैं क्या स्थिति चल रही है। निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, किसान हित में जो काम चल रहा है उसमें आप सहयोग कीजिए और अपने आलू के अच्छे रेट लीजिए और देख लेते हैं क्या चल रहा है ओम कोल्ड स्टोरेज पर आलू का रेट। और पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ तू चल रहा है इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर तिहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे छियानवे सतानवे अठानवे निन्यानवे आठ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस आठ से तीस रुपया। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। कितना रुपया लगाया आपके आलू? आठ सौ तीस रुपये। संतुष्ट हैं? सही लगा राइट नहीं लगा? हाँ सही लगा है तो बेच दिया। कितने पैकेट तक का लॉट था? एक सौ तेईस। कहाँ के रहने वाले हैं? अरोठा। बेच दिया? हाँ। तीस पच्चीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास पचपन साठ पैंसठ सत्तर पचहत्तर अस्सी पिचा अच्छा अस्सी तो इक्यासी ब्यास सात सौ इक्यासी रुपये। तो ये आलू जो है 881 रुपए में बिका है 881 यानी 881 रुपए में और इसका कॉलेवर भी आप देख सकते हैं क्या फाइनेस्ट आलू है और इस पर कोई भी चित्ती या उसका धब्बा नहीं है। इसके रेट जो हैं काफ़ी अच्छे लगे हैं और किसान भी काफ़ी संतुष्ट है, हालांकि 900 नहीं लग पाए ये इसके किसान की बात है। पचपन साठ पैंसठ सत्तर पचहत्तर अस्सी पचासी नब्बे सात सौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह चलिए सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस चालीस कर दूँ हैं भगत जी नहीं करते तो चालू हो गए चालीस इकतालीस नहीं गड़बड़ इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ
इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर सात सौ सत्तर रुपया साढ़े सात सौ पचपन साठ पैंसठ सत्तर पचहत्तर अस्सी पचासी नब्बे 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 रुपया नब्बे रुपया हो जाएगा एक दो सीधो सीधो तीन तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ चौंसठ लगवा लगवा चौंसठ रुपया लिख दे प्रमोद एक कट्टा सात सौ चौंसठ रुपये जिका पाँच पचास सीधो सीधो पचास और कोई सात सौ पचास भगत जी पचास भगत जी के इक्यावन बावन त्रे इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर पचहत्तर रुपया किसान साथियों मेरे साथ में एक व्यापारी मौजूद है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ क्या स्थिति इस समय पर मंडियों में चल रही है और कोल्डों में क्या चल रही है। जी सर बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आलू चल रहा है 800 से 900। अगर बोली की बात करें तो कितने तक का है यहाँ पे आज बोली का? बोली हमारे यहाँ 750 से लेकर 850 पौने 900 तक है। पौने 900 तक का सौदा हुआ। क्या किसान के चाह क्या रहे हैं, दिया है नहीं दिया पौने 900 वाले ने? सारा सब दिया है किसानों ने, बेचा है। मंडियों में कई बता रहे हैं कि ऊपर है आलू का और 1000 रुपये का, ये कहाँ तक आप सही मान? नहीं उम्मीदों पर ऐसी अफवाह चल रही है, लेकिन अभी मंडियों में ऐसा इतना बाजार ऊपर नहीं है। पैसे बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? अब पैसे अभी तो फिलहाल नहीं बन रहे, पर ये है कि 50 रुपये का ये एक्स्ट्रा खरीद के चल रहे हैं। एडवांस में बुकिंग चल रही है? एडवांस में बुकिंग है। क्या उम्मीद है जैसे एडवांस में आगरा में 950 तक के सौदे हो रहे हैं? मंडी से तो अभी 800 के सवार से 850 से पैसे ज़्यादा किसी से नहीं। मतलब यहाँ पे आप लोग जो हैं एडवांस में 50 रुपये एक्स्ट्रा चल रहे हैं? 50 रुपये व्यापारी लोग अपना स्टॉक में कर रहे हैं कि आगे 50 रुपये बढ़ जाए। हाँ उम्मीद पर चल रहे हैं, उम्मीद पर ये स्टॉक कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान को लग रहा है 1000 बिक जाएगा, जब आप लोग 50 रुपये एडवांस में खरीद कर रहे हैं, यानी कि जो जिस आलू को 900 का है उसे 950, जो 850 का उसे 900, जो 825 है उसे 875 पौने 900। तो ऐसे में आगे जाके अगर मान लीजिए मंडी डाउन हुई फिर क्या हो? 50 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है मंडियों में, पहले गिर गया था 50 रुपये, फिर 50 रुपये उछाल आ गया, ये 50 रुपये एडवांस में खरीद के चल रहे हैं। किसान को ऐसे में अपने पैसे बनाने चाहिए, मेरे हिसाब से किसान को अपना एडवांस में खरीद रहे तो बेच लेना चाहिए। यानी कि आज जो पौने 900 लगे हैं ओम कोल्ड पे 875 रुपये, तो किसान को बेच लेने में ही भलाई है? बिल्कुल बेचने में भलाई है, धीरे धीरे अपना माल सब रेट लेने चाहिए। आज एक बात आई है देवी कोल्ड स्टोरेज पे, जो उमवीर सिंह प्रधान जी वाला कोल्ड है 991 का सौदा हुआ है, वो किस हिसाब? 991 का उनका पेमेंट अक्टूबर में होगा, पेमेंट उनका अभी नहीं होगा, पेमेंट अक्टूबर में किया होगा उन्होंने, अगर ले लिया है तो उम्मीद पर ले लिया होगा। 991 वाला अब मेरे हिसाब से तो 991 का तो कहीं रेट है नहीं, फिर ले लिया है ना? ले लिया है तो उन्होंने उनका पेमेंट और 4-6 महीने बाद 891 या 900 वाले पे सौदे हो रहे हैं, वो उसका पेमेंट कब है? उनका 25 दिन बाद है, 25 दिन में उम्मीद पर ले रहे हैं ये लोग। यानी कि 900 तक के रेट हैं? 900 के नहीं है तो, लेकिन 850 के तो हैं, 50 रुपये का तो ये उम्मीद पर चल रहा है अभी, बाजार 900 का भी कहीं नहीं। अच्छा तो अभी हम ये मान के चले हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू का अच्छा सौदा इस समय पर चल रहा है? अच्छा सौदा चल रहा है। आज ये जो जितना जो मेजर सौदे हुए हैं, बड़े बड़े सौदे हुए हैं, वो 875 तक हुए हैं ओम कोल्ड में, बाकी सब डाउन है। बाकी 750 तो बिकाए तुम्हारे सामने, 750 सवा 700 750। वो तो हमने बोली दिखा दी, लेकिन हमें आपको अपने चैनल पर लाने का मकसद यही था कि किसानों को ये जानकारी प्रॉपर हो जाए कि 875 का भी ओम कोल्ड में बिका है।
बिल्कुल बिका है, 875 का भी बिका है। और अगर आलू एक्स्ट्रा सुबह निकलता है तो हो सकता है कि 900 भी बिक जाए। जब आलू वो तो 75 में और 900 में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। किसान साथी मेरे साथ में एक व्यापारी मौजूद हैं जो युवा व्यापारी हैं और आज इन्होंने 881 रुपये प्रति पैकेट में आलू खरीदा है। अभी बोली चल रही है लेकिन मैं आपको जानकारी देने के लिए यहाँ इनके साथ हूँ। भैया क्या स्थिति, क्या आलू चल रहा है? 800 रुपये से 900 रुपये में आलू लिया है 897 रुपये में आज। और ठीक आलू, अच्छा आलू है जो है, और आलू की पोजीशन 1000 रुपये में एक दिन में होने वाली है। और जो है किसान बेच नहीं रहा है 1000 रुपये में, 900 रुपये में आज बेच के ही नहीं गया। एक तो 900 में ही नहीं बेच के गया, नहीं बेचा उसने। उसका मतलब वो वाली बात हो गई ना, आपने दाम लगाई उसे उकसाने के लिए, वो बेचे लेकिन उसने बेचा नहीं उसने जो वो 1000 के खाव देख रहा है, जो 881 में लिया है वो बेच गया। हाँ उसने बेच दिया। कुल मिला के अगर बात देखी जाए तो सादा आधा 900 के सौदे हैं। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? किसान को आलू बेचना चाहिए। अब तो अभी एक कोल्ड की बात सामने आई थी जिसमें 991 का सौदा हुआ है, वो किस लिहाज से उन्होंने लिया है? वो कुछ आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है आलू की जो है, इसलिए आलू लिया है महंगा जो है। 991 जब बचत हो रही है, बताएं कि कौन सा एडवांस में लिया है कि एडवांस में लिया? एडवांस में 1000-1200 रुपये आलू हो जाएगा दो चार दिन के अंदर। कौन सी मील में पेर रहे हो किसानों? हैं कौन से मील में पेर रहे हो किसानों? तो आज भी है 991 तो आज बिकाया ना, 991 दूसरे कोल्ड में बिकाया, यहाँ तो 881 तक ही बिकाया है, 881 रुपये में। चलिए किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में ओम कोल्ड स्टोरेज से विभिन्न प्रजातियों के आलू के रेट। निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, आज जो सौदे हुए हैं वो मेजर सौदे में बड़ी बात करें तो 845, 875, 881 तो यहाँ तक के सौदे हुए हैं। और किसानों ने जिन्हें 900 का जो सौदा हुआ है वो किसानों ने बेचा नहीं है, और जिसने बेचा है वो 881, 841, 821 नीचे में 750 से 790 और ऐसे सौदे हुए हैं। गुल्ला का 750 तक का भी, गुल्ला का जो बड़ा गुल्ला होता है उसका भी सौदा हो चुका है। तो बहरहाल किसान साथियों मेरे साथ में विभिन्न प्रजातियों के आज आपने ओम कोल्ड स्टोरेज रेट जाने, और आज ओम कोल्ड स्टोरेज पर 900 तक की बोली लगी, ये काफ़ी सादाबाद में एक बड़ा एहसास है कि 900 तक की भी बोली ओम कोल्ड पर आज लगी है। हालांकि किसान ने बेचा नहीं है, ये उस किसान की अलग मनसा जाहिर करती है। सादाबाद में अन्य कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर 1000 रुपये यानी 991 तक का भी सौदा खरीदा गया है, वो बतौर 3 महीने का एडवांस खरीदा गया है। लेकिन हाँ 1000 रुपये का सौदा उन्होंने किस बेस पर खरीदा ये तो वो ही बता सकेंगे, लेकिन उन कोल्ड स्टोरेज मालिकों से भी हम बात करेंगे और आपको कैमरे के सामने लेके आएंगे उन्हें और पूछेंगे उनसे आगे 991 में सौदा किस लिहाज से किया गया है, क्या क्या उम्मीद है 1000 होगा या 1200 होगा, ये उनके भविष्य के गर्त में है। क्या वो कोल्ड स्टोरेज मालिक बोलेंगे, क्या मैनेजर बोलेंगे, वो आप आपको सामने लाएंगे। तो यही थे मेरे साथ में ओम कोल्ड स्टोरेज से विभिन्न प्रजातियों के रेट, आलू में आज उछान देखने को मिला है। धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो को व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुपों में फेसबुक में शेयर करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।